अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। जैसे कि आज है मेरा जन्मदिन, तो वैसे सुनने तरीके से करेंगे, कैसा करेंगे तुमको बताती हूँ मैं। तो वैसे तो आज मैं रोज़ा रखने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सहरी में आँखें नहीं खुली, तो मैं फिर रोज़ा बिना सहरी के तो रख नहीं सकती, तो यार मैं रोज़ा तो चला गया। तो आज तो वही एज यूजुअल मेरा जैसे नॉर्मल डेली का काम होता है वो करूँगी मैं। तो चल जाके फिर साफ सफाई कर लेती हूँ फ्रेश होके, फिर फ्रेश होने के बाद और नाश्ता मैं रोज़ है ना हेल्दी खाती हूँ। तो आप लोग भी गर्मी है तो ज़्यादा कर नारियल का पानी पिया करो, इससे सेहत बहुत अच्छी रहेगी। चलो अभी हम आपको आगे लेते हैं। मैं नहा भी ली हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ और नमाज़ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैंने ऑर्डर दी हूँ खाने का, तो वो आएगा 4 बजे तक। बर्थडे वाले दिन होता है कि सदका जकात ज़्यादा देना चाहिए, तो फिर मैं आज गरीबों में खाना भी बांटूंगी। तक तो मैंने कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं है, क्योंकि मतलब बर्थडे वाला दिन मतलब जन्मदिन वाला दिन ऐसा होता है कि हमारे इतने साल गुनाह में गुजर गए और साल गुजरने वाले, तो अल्लाह हिदायत दे, मतलब सबीरा कबीर गुनाह से सबको बचाए। बट होता ना कि उस चीज़ की खुशी भी है कि नहीं भी, आगे हम बढ़ रहे हैं, इतनी आगे क्या होगा, इतना साल और चला गया है कैसे कैसे। और अभी तो मुझे समझ में नहीं आता मैं ज़्यादा बोलूँ क्या, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें से ज़्यादा कनेक्ट होने की, ज़्यादा बातें करने की, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है पर्सनली तुम्हें से डेली का ब्लॉग शेयर करना, आप लोग से बताना क्या है कैसा है। और आप लोग बस प्यार दिया करो, सपोर्ट क्या करो गाइस, सिर्फ आपके लाइक सब्सक्राइब से, आपके सपोर्ट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब कुछ लोग जो है माशाल्लाह कर रहे हैं, मैं तो अभी अपना 100% दे रही हूँ, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट का एकदम 100% दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ यार मेरे हाथ में भी वो गोल्डन प्ले बटन। आई नो तो बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र है, बट कोशिश करने से तो कुछ भी नाकामयाबी तो नहीं मिलती, सिर्फ सिर्फ कामयाबी मिलती है। बस अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जबकि ऑर्डर आ चुका है तो अभी हम लोग जाते हैं जल्दी से, तो आधा हमारा मतलब पैक करते हैं क्योंकि गरीबों को भी देना है ना। तो ये भी हम लोग की पैकिंग, मतलब अभी से हम लोग सर इसमें पैक करके रख रहे हैं, फिर पैक करने के बाद फिर मिलते हैं आपको। हम लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, बाकी मेरी बिल्ली लोग एकदम साइड में एकदम प्रॉपर बैठे हुए, कोई भी आ नहीं रहा इसके पास। अरे बड़ा दिमाग है मेरे बच्चे का, बस दूर से बैठ बैठ के देख रहे, बाकी कोई मुँह मार नहीं रहा है। करते करते ना सीधा पैकिंग करती हूँ ना, तो उसका वही अंदर इतना है लोग, इतना अंदर से जल बुत रहे हैं। जम्मू थाली में सब डाल रहे हैं, और उसके बाद अम्मी और मैं जाएंगे गरीबों को तकसीम करने, तो धूप इतनी है ना, हालांकि 4 बज गए फिर भी बहुत कड़क धूप है। एक्टिवा से चलते हैं, फिर हम एक्टिवा से जाते हैं, धूप इतनी तो चल तो जरा नहीं सकता हम लोग, तो छोटे मैं जल्दी से भुरका पहन के देती हूँ। जब से हम लोग निकल करके अब निकल रहे हैं, क्योंकि एक्टिवा पे ना एक्टिवा था नहीं, फिर एक्टिवा में पेट्रोल ही भरवाना था, तो वही भाई को बोले भाई भरवा के लेकर आ गए एक्टिवा, और फिर ऐसे करते करते फिर असर हो गया, मतलब अभी असर पड़ के जाती हूँ, फिर आने में असर भी मतलब लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अम्मी और अभी हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग इधर जाके मिल गई है, और अभी यहाँ पर पीछे रखेंगे, पीछे पकड़ लोगे तो पीछे पकड़ लो, फिर हाँ बोल बहन। Oh,
घाट वाट के सब हो गए हैं। रही हूँ कि यहाँ से तेल का डब्बा ले रही क्योंकि तेल का डब्बा ख़त्म हो चुका है। और यह अगर आपका अगर सब बाटर है ना, कभी गरीब लोग नहीं दिखेंगे ना, इतना स्टेशन के पास आना, वहाँ पे इतने आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे। दो बहन नहीं, हाँ वो दो बहन, कैप्चर क्या हो गया क्या थे। कभी भी कुत्ते लोग के सामने ना भागने का नहीं, कितना भी कुछ हो जाए पर भागने के लिए, जैसे अपने लोग के पीछे भागते हैं तो लोग भी अपने पीछे भागने लग जाते हैं। तो हमेशा लोग के साथ जब कुत्ते दिखेंगे ना, एकदम साइलेंट में चुपचाप चलते रहने। पीते यहाँ से डायरेक्ट हम लोग घर पर जाएंगे। अरे तो मुझे आती है अच्छे से, अच्छे से आती, बहुत टाइम से आ जाए ना, 3 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब एक्टिवा 3 4 8 में मैं एक्टिवा सीख गई थी, मेरे भाई ने अच्छे से सिखा दिया। जा रहे हैं ठंडा लेने क्योंकि मेरे भाई जवान गए तो उनको ठंडा चाहिए होता है, तभी जस्ट मैम लोगों ने तिल का डब्बा बिल्डिंग के नीचे ही रख दिया है, तो अभी जल्दी से आके बोले के लिखा ली। मैं पकड़ी हूँ तेल की बॉटल, हमने पकड़े जिके बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये तो, फिर भी आउच इतना हैवी नहीं है जितना मैं तेल। तेल के डब्बे बहुत बड़े हैं, मेरा बता दे 15 किलो का 15 किलो। बाप रे इतना ट्रैफिक बोल रही हूँ, नहीं थक गए ना जाम ना चढ़ तो। और हाँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं कि दिखावा करके करना कुछ, बस मुझे ऐसा था कि अगर मैं दिखावा करके होती तो फिर मैं खुद देती वैसे सब वीडियो में, बट मैंने तुम लोगों से नॉर्मली बताई क्योंकि तुम लोग भी इस मुझसे भी जुड़े हुए हो, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग भी मैं हर चीज़ बताऊँ तो शायद तुम लोग भी ये चीज़ पे अमल कर सको। ये बट मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करने का, और मतलब कैसे ना, अगर पार्टी करेंगे, पार्टी एकदम बड़ा करेंगे तो कोई उसको शौफ नहीं बोलेगा। अगर कुछ अच्छी चीज़ करके अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको लोग शौफ बोलते। मालूम है कुछ है कि हाँ अच्छा काम, मालूम है अगर अच्छी चीज़ करते हैं कुछ अच्छा कर, दिखाई नहीं जाता गरीब को हाथ में से देते वैसे उसका वैसा तो कैप्चर नहीं करी, बस ऐसे बता रही हूँ कि आप लोग करते हो तो ऐसे ही किया करो। और बड़ा आदमी तो सदका देना चाहिए, रोज़ा भी रखना चाहिए, बट रख नहीं पाई क्योंकि मैं सहरी मोटी नहीं, नफिल रोज़े बिना रोज़े बिना सहरी के होते हैं तुम लोग मालूम है। और बस यही, तो प्लीज़ आप लोग गलत वे में मत जाना कि भाई ये तो दे रही है तो। और हाँ एक चीज़ हमेशा तो करना कि अल्लाह हमेशा देने वालों में से बना, लेने वालों में से कभी, अल्लाह बस देना सीखा अपना, अपने से किसी और का मोहताज कभी ना रखे। बस जब आते हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो क्योंकि समझ रहे आप लोग के, आप लोग के प्यार से मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगता कि नहीं ठीक है चलो हाँ आप तुम्हें दिखा रहे हो तो मैं और मेहनत करूँ, जैसा फील होता था तुम्हें भी प्यार अपने दिखाया करो। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब किया करो। मजाक मजाक में अन्नू को बोल रही थी ला मेरा गिफ्ट किधर है, तू बेचारी ने सही में लेकर आई है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा एकदम छोटा सा प्यारा सा। हमेशा की तरह मेरी दोनों बहन लोग कुछ देते हैं नहीं, वो तो आप लोग को नहीं पता है इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ। और अभी मुझे अभी ये एक गिफ्ट मिला है, मुझे ना मतलब अच्छा लगता है कोई भी गिफ्ट देता है, भले से छोटा हो बड़ा हो, और अम्मी की तरफ से ये अम्मी की तरफ से शुक्रिया, ये अम्मी की तरफ से है। अभी तक मुझे दो चीज़ मिला है, चलो जैसे मिला है, और आप लोग तो दे नहीं सकते तो सिर्फ आप लोग मुझे मेरे सब लाइक कमेंट शेयर कर देना, ये मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा। ये आने के लिए फोटो जाने के लिए ये ऐसा करती है। मैंने तुमने को इतना आपा आज तक आपा और मेरे दिन गिफ्ट नहीं दिए, तो लगता वही बात आपा को दिल पे लग गई, तो आपा ने अभी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। तेरे को क्या लग रहा है, मैं तेरे लिए गिफ्ट अभी ली हूँ, बस पहले से रखी हूँ समझी ना। हाँ नहीं तो ब्लॉक के लिए, नहीं ब्लॉक के ऐसे कुछ नहीं है, ब्लॉक के लिए मैं चाहूँ तो अभी कैमरा भी बंद कर दूँ, करो बंद कर दी। तीन थैली निकली ना कचरे के लिए काम आएगा। हाँ खोलने का तरीका देखो इसका, नहीं वाह
थैंक यू सो मच। चांदी की नहीं, चांदी दूंगी लात, चांदी है ना। मुझे ना ऐसा हाथ में चाहिए था पहनने को, मुझे ऐसा चाहिए कि कोई मुझे दे, मेरे को खुद से नहीं लेना। दिया चीज अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। ये मेरा तीसरा गिफ्ट है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह आपने दी। अबे तू तो रो रही थी फिर जाके अंगूठी नहीं लेके आ रही पहले से। अनु दिखा रही हूँ रे मैं। क्यों दिखा रही है? किसने आपा ने गिफ्ट दी? ओ बहुत बढ़िया। ये लोगों को ऐसे होते हैं सब फ्रेंड लोग, जाने मतलब कहीं पे जाना हो तो लेट करो, किसी के घर पे जाना तो लेट करो, लोगों लेट के साथ कुछ सोचता नहीं। और गाइस ये मेरा चौथा गिफ्ट है, माय गॉड थैंक यू सो मच। मुझे कराने का पता ही खुल गया है इसकी वजह। अरे मैं तेरे को पता नहीं चाहने दूँगी। आवाज़ है गले इतना बड़ा मग देखी थी मालूम, वो भी मेरे को अच्छा लगा, पर है ना हाँ, पर वो बड़ा मग ज्यादा यूज में नहीं आता है। बड़ा मग देखना जैसे जितना ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है कि कोई मुझे गिफ्ट देता है तो मेरा ऐसा मन ही नहीं करता, भले से छोटे से भी छोटा बड़े से बड़ा, मेरा मन ऐसा करता है कि इसको संभाल के रखो, उसको यूज नहीं करो। अभी तक मेरे पास जितने भी गिफ्ट है ना, अभी तक मैं जल्दी किसी ज्यादा यूज नहीं करती, बस संभाल के रखती। मैं सोच रही कि साला मेरे को कोई ऐसा गिफ्ट करे, कोई ना मेरे इधर ला उसको, गिरा दोगे उसके ऊपर? ए भाई अंकल का क्या इरादा था कि मैं खोल, नहीं वो ऑलरेडी पैकिंग वाला बॉक्स था भाई, तो बोल इस याद है अम्मी को बोले कि अम्मी दिला दिला, याद है अम्मी बोला क्या करेगी तू, येलो येलो अपन मस्जिद बंद बोल दी जलानी अब देखो इसमें चाय पीगी खून पीगी, इसमें पहले मैं कॉफी डालूंगी फिर इसे मिक्स करूंगी फिर लेमन डालूंगी फिर बस बस मेरे को लगा था तू वो पिएगी, मिक्स करूंगी देन उसके बाद मैं पीऊंगी। थैंक यू वन सेकंड, थैंक यू सो मच सानू। गाइस ये मेरी दूसरी फ्रेंड ने, रेहान भाई ने खा लिया, ये क्लिप मैं डालूंगी उसमें से, नेक में से मेरा चॉकलेट में से ले लिए छुरट्टे और देख के तो मेरे ऊपर वो वायलेंस हो गया इतना लेट, ये तो हद पार कर दी। थैंक यू सो मच। बट थोड़ी इसको माफ है क्योंकि शादीशुदा वाली रह गई, इसका अपने पति को भी देखना होता है। तब से छोटा सा केक है, मतलब ऐसी कट कर रहे हैं, इस सॉन्ग को पे ना कॉपीराइट आ जाएगा मेरा व्लॉग में। केक कट हो गया है, अब हम चले केक खाए। नहीं आया नहीं खिलाओ इसके नबीला के बच्चे को, बेबी को खिलाओ पहले। हाँ खाला मासी है ना सानिया को खिलाओ, मेरे तरफ से मेरे नवासे के लिए है ना। पहले इसको गाने देना क्या ना बिल, अरे हमारे देश में सिंगर तुझे तुझे ऑडिशन देने जाना होगा, तुझे सिंगर बन गई गाना मेरे आदमी के लिए। कभी पादे हो गया
लड़के ऐसे सब चाली नहीं करते झूठ बात मुझे पता है अभी तुमको फाट नहीं आएगी बट फिर भी तुम कोशिश कर और मैं कभी कभी फाट कर गई जा रही है खाना खाने क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है बहुत मस्ती है तभी तो खाना खाएंगे फिर खाने के बाद में मिलती तुम्हें खाना ये मेरी एक और दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा ही लेट आई इतनी लेट तो इसका इसने हाँ इसने ये गिफ्ट दिया और ये इसने ना पैकिंग करना भूल गई पैकिंग साने लेकिन हम लोग ने नहीं की रोड रोड से जाना थैंक यू सो मच शानू के ऑफिस से साइड चलेंगे पूरा पानी बह रहा है पानी बह सो गाइज अभी सब लोग जा रहे हैं नबीला भी जा रही है तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ तो चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय बाय फिर हमारी ला तेरे को